ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप के डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये ज़मीन से कुछ एच हाइट पर पड़ा हुआ है। यहाँ से भी इसकी कुछ एच हाइट है और यहाँ से भी कुछ एच हाइट पर पड़ा हुआ है। ये भी इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसे हम A1 कह देते हैं और ये थोड़ा सा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसे A2 कह देते हैं। ये हमारे पाइप का इनलेट है, इसे इनलेट कह देते हैं और इसे आउटलेट कह देते हैं। यहाँ से हमारे वाटर ने इन करना है और यहाँ से आउट हो जाएगा। जब हमारा पानी इस पाइप से इन करेगा तो यहाँ पर हमें प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर भी अप्लाई होगा, फोर्स भी एक्ट करेगी इसी पॉइंट पर। और इस फोर्स के एक्ट करने से ये जो एम मैस रखने वाला लिक्विड है, जो फ्लोइड है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है, उसका तो कुछ ना कुछ मैस होगा। वो मैस रखने वाला जो फ्लोइड है वो कुछ ना कुछ विलोसिटी से किसी टाइम इंटरवल में मूव भी करेगा। अगर हम ये कहें कि हमने फोर्स अप्लाइड की है और इस लिक्विड ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इसका मतलब है कि इसने वर्क किया है। अगर मैं ये लिखूं कि हमारा जो वर्क इनपुट है वो किसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्क आउटपुट के, जो वर्क यहाँ पर किया जाएगा वही वर्क यहाँ पर आउटपुट की सूरत में एग्जिट हो जाएगा। वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक वर्क जब भी किया जाए तो वो FD के बराबर होता है। और जो हमारी F है, अब ये F पर गौर किया जाए तो F जो है वो इस क्रॉस सेक्शनल, ये जो हमारी फोर्स है ये इस क्रॉस सेक्शनल A1 पर अप्लाई की जा रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रेशर भी अप्लाई किया जा रहा है। और प्रेशर की डेफिनेशन के मुताबिक हमें मालूम है कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर अब प्रेशर का रिलेशनशिप बनाना चाहूँ तो मुझे फोर्स को डिवाइड कर देना चाहिए एरिया से और साथ ही साथ एरिया से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का रूल है जब हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमें साथ ही साथ उस चीज़ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये F/A, अगर मैं इसे ये सेपरेट करके लिखूँ तो ये मेरे पास F/A, मुझे यहाँ पर A1 लिखना चाहिए कि मैंने A1, क्योंकि हम लोग इनपुट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर A1 आना चाहिए। F/A1 इंटू A1 D, ये जो इस इनपुट की बात की जा रही थी, तो F/A1, ये हमारे पास प्रेशर का रिलेशन बन जाता है। तो इसे मैं यूँ लिख सकती हूँ कि ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये बराबर है प्रेशर P1 के। प्रेशर P1 इंटू A1 इंटू D1, को भी 1 कह देते ताकि मालूम हो कि हम इनपुट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्क इनपुट जो है वो बराबर आ जाता है प्रेशर P1, एरिया E1 और इंटू डिस्प्लेसमेंट D1। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के रिलेशन के मुताबिक जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो किसी भी टाइम इंटरवल में अगर उसकी बात की जाए तो वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मैं बजाय इस रिलेशन के लिखने के, मैं डायरेक्ट ए और डी की जगह वॉल्यूम पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मेरा डी है वो वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल के बराबर है। इसीलिए इस इनपुट और आउटपुट में वेलोसिटी का जिक्र किया गया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है और वेलोसिटी का रिलेशन तो डिस्प्लेसमेंट के साथ होता नहीं है। तो यहाँ पर अब मेरा P1 आ जाएगा और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कंबाइन होकर हमें वॉल्यूम का रिलेशन देती है। तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम V1 लिखना चाहिए। तो अब हमारा जो इनपुट वर्क है वो इसके बराबर आ जाता है P1 इंटू V1। सिमिलरली जिस तरह से हमने वर्क इनपुट निकाला है इस पाइप के लिए, इसी तरह से हम इसके लिए वर्क आउटपुट भी निकाल सकते हैं। जो हमारा वर्क आउटपुट होगा वो भी सिमिलरली इसी रिलेशन से निकलेगा, क्योंकि जो प्रोसीजर इनपुट में होता है वही आउटपुट में होता है। आउटपुट में भी जब इस पोर्शन में लिक्विड आएगा तो उसका भी सेम वही मैस होगा जो इस पोर्शन में उसका मैस था, उतनी ही वेलोसिटी से वो मूव करेगा, कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल के दौरान ही वो मूव करेगा। तो इसलिए जो जो चीज़ें हम लोगों ने इनपुट के लिए ली वही चीज़ें हम लोग आउटपुट में रखें, तो हमारा रिलेशन यहाँ पर P2, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर निकलेगा वो P2 प्रेशर के साथ निकलेगा और एरिया A2 है और डिस्प्लेसमेंट जो किया होगा वो D2 है। तो A2 इंटू D2 हमारे पास जो है वो वॉल्यूम V2 आ जाता है। तो ये हमारे पास वर्क का रिलेशन आ गया।
अब हमें मालूम है कि हमारे इस पाइप के ऊपर वर्क किया गया, और वर्क के रिलेशन के मुताबिक, वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक, जब भी किसी बॉडी पर वर्क किया जाता है या वर्क हो रहा हो, तो इसका मतलब है उस बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। अगर इस सिचुएशन की बात की जाए, इस पाइप की बात की जाए, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी जा रही है क्योंकि वर्क किया जा रहा है, और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जा रहा है, और MS भी है और वेलोसिटी भी है। जब मैस भी हो, वेलोसिटी भी हो, तो जो एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर ज़मीन से कुछ बुलंदी पर हो, मैस भी हो बॉडी का, तो उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस सिचुएशन में तो हमारे पास दोनों ही काम हो रहे हैं। बॉडी जो है वो ये जो पाइप के अंदर लिक्विड है वो काइनेटिक एनर्जी भी रखता है, और ज़मीन से कुछ बुलंदी पर है पाइप तो वो पोटेंशियल एनर्जी भी रखता है। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो है वो रिलेशनशिप निकालें, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 mv² के इक्वल है, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी है mgh, इसके बराबर होती है, क्योंकि h जो है वो हाइट के लिए है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन लिखते हैं वो mgh लिखते हैं। अब अगर मैं यूँ कहूँ कि इनपुट में जो काम हो रहा है, यानी कि इनपुट में हमारा वर्क भी किया जा रहा है, वर्क इनपुट इस तरह से लिख देती हूँ, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनपुट भी आ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से भी है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी इनपुट कह देते हैं। जो काम इनपुट में हो रहा है वही काम आउटपुट में भी होगा, तो इसे ओ आउटपुट कह देते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी जो आउट हो रही है, और कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आउटपुट की सूरत में आएगी, क्योंकि जो काम इनपुट में हो रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन वही काम आउटपुट में भी होना चाहिए। हमारे पास जो वर्क का रिलेशन निकला था वो हमने कहा कि वो हमारा P1 प्रेशर P1 इंटू V1 के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 mv² के इक्वल है, तो यहाँ पर भी हमें 1 लिख लेना चाहिए, I लिख लेना चाहिए, I बेटर है क्योंकि हम लोग इनपुट की बात कर रहे हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी m1g1h1 के इक्वल आ गई। सिमिलरली आउटपुट की बात की जाए तो हमारा जो वर्क है उसे हम लोगों ने P2 और V2 वॉल्यूम 2 कहा था, यहाँ पर हम O कह देते हैं। PO और VO प्लस 1/2 mO यानी कि आउटपुट, और VOC यानी कि आउटपुट प्लस M आउटपुट, G और H ये भी दोनों जो हैं आउटपुट की सूरत में ही जा रहे हैं। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट का रिलेशन आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि हमारा जो लिक्विड है वो वाटर है, और वाटर की डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, तो डेंसिटी के रिलेशन से, चूँकि डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर मैं इस रिलेशनशिप से अगर वॉल्यूम का रिलेशन निकालना चाहूँ, तो मुझे इस तरह से कहना चाहिए कि जो वॉल्यूम है वो मास पर डेंसिटी के इक्वल आ जाता है। और इस चीज़ को अगर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का रिलेशन आ रहा है, तो हमारे पास कुछ रिलेशन जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करने से देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशनशिप आता है। प्रेशर तो हमारा P1 ही रहेगा, और वॉल्यूम V1 की जगह, चूँकि वॉल्यूम का रिलेशनशिप ये आया है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो यहाँ पर हमें मास इनपुट डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनपुट प्लस 1/2 mi/vi² प्लस mi/gi/hi इसी तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इनपुट के लिए आई लिख रहे हैं, यहाँ पर वीओ, और यहाँ पर चूँकि वॉल्यूम आउटपुट है, तो यहाँ पर भी मुझे मास आउटपुट डिवाइडेड बाय डेंसिटी आउटपुट लिखना चाहिए, और 1/2 mO इंटू vO² प्लस mO gO इंटू hO ये लिखना चाहिए। अब एक बात नोट कीजिए कि मास चाहे इनपुट हो या मास चाहे आउटपुट हो, मास तो लिक्विड का बराबर ही है ना। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो पाइप है, जिस पाइप में हम लोगों ने लिक्विड कंसाइडेड किया है, ये वाटर है, तो वाटर का मास तो इक्वल ही होगा। तो ये हमारा जो मास इनपुट है और मास आउटपुट है, अगर ये दोनों इक्वल है मास m के, तो ये इस पूरी इक्वेशन में मुझे m को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि मास तो बराबर ही है। और डेंसिटी चाहे इनपुट हो या डेंसिटी आउटपुट हो, डेंसिटी अगर लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, अगर लिक्विड फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी हमेशा बराबर रहती है, जो कि 1000 kg/m³ होती है। तो डेंसिटी जब सेम है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इनपुट डेंसिटी इनपुट बराबर है डेंसिटी आउटपुट के, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जब इस पूरे इक्वेशन को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास रिलेशन कुछ ऐसा आ जाता है कि P1 प्लस 1/2 ρv² V1² प्लस ρgh1 बराबर है
ओ प्लस, क्योंकि इससे जो है यहाँ पर हम जब रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो और ये रो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 1/2 एम नहीं आएगा, सॉरी एम तो हम लोग पहले कैंसिल आउट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास सब रिलेशनशिप आएगा उसका डेंसिटी का, जी हाँ डेंसिटी, और यहाँ पे वी आउटपुट की वेलोसिटी प्लस रो जी आउटपुट एच आउटपुट। ये जो मैंने एथ ओ लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि हाइट जो आउटपुट में आ रही है, इसका मतलब ये है कि मैंने चूंकि यहाँ पर इसे इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट में जो सारे के सारे फंक्शन हैं उन्हें आई की सूरत में लेट कर लिया, जैसे एफ आई है, ए आई है, पी आई है और एच आई की। सिमिलरली जब यहाँ पर गए हैं तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हाइट थी जिसे एच टू कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं आउटपुट की बात कर रही थी आउटलेट की, तो इसलिए मैंने इसके नीचे ओ कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दूसरी वाली ही हाइट है यानी कि आउटपुट की साइड पे जो हाइट है। अब अगर देखा जाए कि पी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, जो फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पर है इनपुट के फंक्शन, वही सेम फंक्शन आउटपुट की तरफ भी हैं। तो अगर मैं इसे यूँ लिख दूँ कि पी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, अगर इसे यूँ कहकर कांस्टेंट कर दूँ तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल आती है कि जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक, जैसे कि हम कहते थे कि काइनेटिक एनर्जी इनपुट बराबर है काइनेटिक एनर्जी आउटपुट, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ नहीं बल्कि ये बर्नौलीज इक्वेशन है। जी हम बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम कोई सी भी दो चीज़ें कांस्टेंट कर देते हैं और प्रेशर और इस चीज़ में सबके सब फैक्टर जो है इस इक्वेशन में हम कांस्टेंट कर देते हैं और प्रेशर और वेलोसिटी का जो है वो रिलेशनशिप देखते हैं। बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखने से अगर हम प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशनशिप देखें तो होता ये है कि एक चीज़ की यानी कि प्रेशर के बढ़ने से वेलोसिटी कम हो जाती है और वेलोसिटी के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी का प्रेशर और डेंसिटी दोनों के साथ ही रिलेशनशिप देखें तो हम लोगों को हाइट को कांस्टेंट रखना पड़ता है। किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रखकर हम जो है दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप थ्रू बर्नौलीज इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन के जरिए हम लोग जो है वो अपलिफ्ट जो है वो जेट प्लेन्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी और बहुत सी एप्लीकेशन है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, जैसे स्पिनिंग ऑफ बॉल है, इस तरह की मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे।